तो आज भारी बारिश के कारण हमने हमारे घर को बना दिया है फ्लोटिंग हाउस। जैसे ये बाकी सारे घर और बोट पानी पर तैर रहे हैं, वैसे ही हमारे घर की अगर हम मोटर चालू कर दें तो इसके पंखे चालू हो जाते हैं और हमारा घर भी अब बाकी नाव की तरह पानी के ऊपर चल सकता है। यार बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ मैं। आज संडे है और छुट्टी के दिन में क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो लगता है न्यूज़ ही देखना पड़ेगा। न्यूज़ में ही देखते हैं कुछ बढ़िया सी मसालेदार खबर आ रही हो तो। क्या हमारे शहर का मौसम बिगड़ने वाला है और इतना ज़्यादा बिगड़ सकता है कि बाढ़ तक आ सकती है। इसलिए जल्द से जल्द सबको बोला गया है कि शहर को छोड़कर भाग जाए। पर हमारे घर का क्या होगा यार? पिछली बार भी जब सुनामी आया था यार, पूरा घर तहस नहस हो गया था, बर्बाद हो गया था। इतने पैसे लगवा के मैंने वापस से ये घर बनवाया था, इस बार मैं इसको डूबने नहीं दे सकता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ खतरनाक सोचना पड़ेगा जिससे मैं ये घर बचा सकूं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? एक आइडिया आ रहा है भाई। एक काम कर सकता हूँ मैं, क्या मैं इस घर को कहीं और ले जा सकता हूँ? मतलब अगर मैं पानी के ऊपर इस घर को फ्लोट करा दूँ तो ये घर नहीं डूब सकता और मैं भी फ्लड से बच जाऊँगा। भाई ये ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए मुझे पहले तो कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है एक राफ्ट बनाने के लिए। तो लकड़ियाँ मैं जाके जुरासिक पार्क से काट के लाता हूँ। और फॉर्च्यूनर तो इस काम आएगी नहीं, क्योंकि फॉर्च्यूनर में मैं लकड़ियाँ रख नहीं पाऊँगा इतनी बड़ी बड़ी इतनी सारी। तो इसलिए मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट से ट्रक विद ट्रेलर उधार में लेके जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज वैसे भी छुट्टी है तो किसी को काम होगा नहीं और ट्रक भी ट्रेलर भी आज वहीं पर रखा हुआ होगा। चलो देखते हैं। अभी तो मैं पहुँच गया हूँ, अपनी फॉर्च्यूनर को बाहर ही पार्क कर देता हूँ, अंदर से लेके आता हूँ मैं ट्रक को। काफी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चाहिए इसलिए ट्रक भी ट्रेलर ले जाना पड़ेगा हमें। हाँ रखा तो है। चलो भाई छुट्टी है तो कुछ तो काम आया, लेकिन मुझे लग रहा है बाकी सब तो भाग गए होंगे, तो ये कोई वापस लेने भी नहीं आएगा। अगर मैं इसको वहीं छोड़ दूं तो भी कोई मेरे से पूछेगा नहीं, लेकिन एक महीने बाद जब पानी सूख जाएगा या कभी तो सूखेगा तब ये लोग आके मेरे से पूछेंगे। इसलिए चुपचाप से ला के इसको यहीं रख दूंगा। मेरी फॉर्च्यूनर मैं ही तोड़ रहा हूँ भाई, मैं ही मेरी फॉर्च्यूनर का दुश्मन बन चुका हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं? इसको चलाने के लिए भी एक अलग टैलेंट चाहिए यार। मतलब इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है ना, जैसे ये देखो, इसको सामने से दिख नहीं रहा है, मतलब इतनी बड़ी ट्रक आ रही है भाई, आंख बंद करके चलाया जा रहा है। भाई पहले मुझे जान दे, पहले बड़ी गाड़ी को जान दो ना, फिर तुम आओ। पीछे से भी देखो टक्कर खा के गया है। इसलिए भाई इसको चलाने के लिए एक टैलेंट चाहिए। सामने वाले थोड़े चींटी जैसे दिखते हैं ना, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा बड़ा मान के चलना पड़ेगा, तभी मैं किसी को इधर मारूंगा नहीं। देखो जैसे यहाँ पे मैं कितने आराम से लाए, लेकिन मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इसकी ब्रेक क्यों नहीं लग रही है? अबे ब्रेक लग जा। अरे अरे नहीं, ओहो भाई बच गया। बहुत तेज़ ले आया था यार मैं अभी अंदर से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मैं जाऊँगा ना तो भाई अंधा मोड़ आता है, वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देगा कि कौन गाड़ी लेके आ रहा है और मेरे से आके ठुक जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, फिर यहाँ से हमें सीधी रोड मिलेगी। बस यहाँ से मेरे को सीधी चलानी है। ये ट्रक पता नहीं क्यों लेकिन इतनी नाच रही है। अभी जुरासिक पार्क के गेट के अंदर भी जाना है, वो अलग टेंशन है यार। इतनी लंबी गाड़ी मुझे थोड़ी पीछे से मोड़ के लानी थी। यह मुड़ी देखा, मैंने बोला था, मैंने किसी पे चढ़ा दी, मुझे कोई दिखा ही नहीं। भाई बहुत मुश्किल है यार ये चलाना, दिख ही नहीं रहा था वो, पता नहीं कब आ गया यार मेरी गाड़ी के नीचे। मेरी गलती नहीं है यार, दिख रहा है क्या? समझ तो नहीं रहा। अरे कर दी मैंने अंदर यार, काफ़ी आसानी से कर दी। चलो अब किसी अच्छे पेड़ वाले एरिया में चलते और वहाँ चल के अपन लकड़ियाँ काटेंगे। दम लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। भाई बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी है सच में, आज तो हालत टाइट होने वाली है। लेकिन पूरा काम आज मैं नहीं करने वाला, आज लोगों को मैं काम दे दूँगा। तो इतनी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लिए मैंने, मुझे लगता है ये काफ़ी रहेगी, इनको जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा राफ्ट ज़रूर बन जाएगा। चलते हैं अब अपन एयरपोर्ट की तरफ, बताता हूँ क्यों। पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट। अब यहाँ पे जो वेयर हाउस है इसके अंदर ये लकड़ियाँ रखवा रहा हूँ। इसके बाद अपन चलते हैं अब नेक्स्ट जगह के लिए। अब अंदर मैंने इसलिए रखवा दी लकड़ियाँ क्योंकि यहाँ पे वो राफ्ट बनेगी, क्योंकि बाकी वर्कर लोग बनाएंगे और फिर वो लाके वो घर के नीचे भी रखेंगे, उन लोगों ने बोला है। लेकिन मुझे इंतज़ाम करवाना पड़ेगा इस घर को हवा में उठाने का,
उसके लिए मैंने कुछ सोचा है, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी जाके हम लोग अपनी फॉर्च्यूनर लेके आते हैं और नेक्स्ट चीज़ लेके आते हैं जो कि हमें लगेगी मोटर। मोटर चाहिए भाई, मोटर से क्या होगा कि जो अपना हाउस है ना वो आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए मोटर की ज़रूरत है। अब देखते हैं कहाँ मिलेगा। ट्रक भी ट्रेलर मैंने रखवा दिया है, अब ये डूबेगा तो वैसे बाढ़ आने पे, लेकिन जब भी ये बचता है तो उन लोग को वहीं मिल जाएगा, मैंने तो रख दिया है। अब मैं अपनी फॉर्च्यूनर लेके चलता हूँ मोटर लेने। पहले तो अपन उतरते हैं और मोटर देखते हैं कहाँ मिलेगा। अपने फ़ोन में मुझे देखना पड़ेगा। ओके, सर्च करते हैं अपने फ़ोन में मोटर और देखते हैं। ओ मोटर, मोटर तो मेरे सामने है भैया। अब ये सामने वाली जो बिल्डिंग है इसके ऊपर ही मोटर रखा है। वाओ, ये मैं ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे पहुँचने के लिए जो रैंप जा रही है वो बिल्डिंग से चालू होगी जो कि शहर के बीचों बीच में। चलो फिर वहीं चलते हैं। आई थिंक यही वाली बिल्डिंग है वो, इसके गेट से हम लोग को ऊपर वाले फ्लोर तक जाना पड़ेगा। तो अपनी गाड़ी मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ, कोई चोर तो यहाँ घूम नहीं रहा हो। बस लॉक कर दिया मैंने। चलते हैं इस गेट से फिर टॉप वाले फ्लोर पे। आ चुका हूँ मैं ऊपर। अब देखो क्या करना है हमें इस बाइक। ये क्या है, मैंने ये देखा नहीं था भाई। ये मजाक है कि सच में, मतलब आगे स्टार्टिंग में गड्ढा। ये गड्ढे से मैं जाऊँगा कैसे यार, बहुत दूर नहीं है भाई। जब मार लेगी क्या भाई, देखना पड़ेगा। ये जब मार दी भाई, इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे तो, बट कैसे हो गया ये। चलो बढ़िया हो गया, तो चलते हैं भाई आगे। पता नहीं क्या था इसके आगे, देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ से जाना था और अबे यहाँ पे मैं शॉक हो रहा हूँ यार। मैं गाड़ी कुदा सकता था बट मैं देख के बहरा गया हूँ। क्या मैंने कुछ गलत देखा है वहाँ पे? मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं था, सच में नहीं है भाई। अबे यहाँ कहाँ लैंड करूँगा मैं? ये कौन सा लेवल है ये क्यों बना है लेवल? अगर वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं रैम के आगे बढ़ूँगा कैसे, ये मेरा जेन्युइन सवाल है। लेकिन देखते हैं, कुछ तो रास्ता होगा मुझे लगता है, अगर ये बनाया है तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि भाई हुआ करता था यार प्लेटफॉर्म भाई। इस पर सेफ, आई एम सेफ भाई। क्या है ये, इनविजिबल हो? अब समझ में आया भाई, ये या तो कोई ग्लिच है या तो ये इनविजिबल हो रखा है। तो अब हमारा असली टास्क ये है कि हमारे सामने पूरा रास्ता बना है बट कहीं कहीं पे इनविजिबल प्लेटफॉर्म होने वाले हैं, जिसको हमें ढूंढना है कि कहाँ पर रास्ता है। और ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि भाई अगर हम ढूंढेंगे ना कहाँ रास्ता है तो सही में मज़ा आएगा, देखते हैं करके। और मैंने तो एक और चीज़ ध्यान दी कि ये जो पंखे हैं ना, ये भी कुछ अलग ही घूम रहे हैं, ये ऐसे नहीं घूमते हैं। तो शायद कुछ हुआ है, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा भाई। हमें चाहिए वो मोटर यार, घर डूब जाएगा तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी जाना पड़े। अब ये सामने देखो आप, यहाँ पर कुछ नहीं है बट हमें जाना तो पड़ेगा ना। तो भाई अंदाज़ा लगाऊँगा, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन कहाँ से जाऊँ। लेफ़्ट में रास्ता हो सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि राइट में जगह नहीं है भाई, लेना पड़ेगा। ओ रिस्क ज़्यादा है भाई, रास्ता था कर दिया मैंने। अब लेफ़्ट से चलें कि राइट से? मुझे लग रहा है राइट से रास्ता होगा। हाँ ये सामने वाला है तो फिर ठीक है। ओके ओके आ रहा है भाई, पहुँच गया बस मैं। ये कैसे पार कर दूँ, यहाँ पर रास्ता है ना? अरे आ गया आ गया आ गया, ठीक है। ये पंखे से भी निकल गए और ये लास्ट बचा है भाई। इसके यहाँ लेफ्ट से जाना है कि राइट से, कहाँ से जाऊँ मैं? चलो राइट से ही जाके देखते हैं क्या ये सही है। क्या मैंने सही चुना है? बिल्कुल सही चुना है भाई, कर दिया। अब नहीं आएगा शायद, ये अब कोई इनविजिबल प्लेटफॉर्म नहीं आने वाला है भाई। काफ़ी टफ था, मतलब जो दिखता है ना वो तब भी कर सकते हैं भाई, जो नहीं दिख रहा वो कैसे करेंगे, यही तो सोचने वाली बात है। चलो ठीक है, हमने कर तो दिया है, अब बस पहुँचते हैं मोटर तक। मोटर उठाते हैं भाई और निकलते हैं अपने घर की तरफ। मोटर मिल चुकी है मुझे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर है, दो पंखे वाली मोटर हैं जो कि घूमेंगे भाई पानी के अंदर, समझ में आ ही रहा होगा आपको। एक गुलनाव की तरह हम लोग चलाने वाले हैं अपने घर को। तो मैंने तीनों मोटर भिजवा दी है अपने घर की तरफ, जो डिलीवरी वाले होते हैं वो ले कर चले गए हैं। लेकिन अब हम लोग को नेक्स्ट चीज़ करनी है, जो कि हमने बोला था ना आपको याद नहीं होगा तो, कि हमें जो घर है वो हवा में उठाना है।
पहले फॉर्चूनर निकाल लेते हैं। अब चलते हैं अपन। देखो अपन को जो घर है ये हवा में उठाना है और नीचे से वो राफ्ट हमें घर के नीचे डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें एक हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर लाता हूँ पहले मैं। देखो हेलीकॉप्टर के नीचे एक रस्सी लगाएंगे, रस्सी को घर पे बांध देंगे और सीधा हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ाएंगे तो घर ऊपर उठ जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर कर लेना चाहिए इतने। तो देखते हैं, अभी हेलीकॉप्टर जो है वो एयरपोर्ट में मिलता नहीं, आपको पता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हेलीपैड पे जो कि बिल्डिंग के ऊपर है, जिसके लिए मैं प्लेन से जाऊंगा और फिर हेलीकॉप्टर लाऊंगा। देख रहे हो कितना काम है, वो रहा हेलीकॉप्टर, दिख गया है मुझे वहाँ पे। बस अब लैंड कराना है मेरे प्लेन को। क्या मैं कर सकता हूँ, धीरे से जाऊँगा और जाके मैं इधर, प्लेन तो रुकेगा नहीं, मैं ही एग्जिट मार देता हूँ। क्या हुआ भाई, प्लीज सही गिरूँ मैं? अरे सही गिरा भाई, बच गए। चलो हेलीकॉप्टर तक पहुँच गए हैं और अब उठा। ओके प्लेन भी आ चुका है, प्लेन का कोई काम है नहीं, इसको यहीं छोड़ो। हेलीकॉप्टर उठाते हैं और निकलते हैं अपने मिशन पर। लेकिन बीच रास्ते में मैं कॉल कर देता हूँ उन वर्कर्स को जो कि मेरा राफ्ट बना रहे थे, वो लेके आ जाएंगे क्योंकि नीचे से तो वही लगाएंगे। मैं एक साथ तीन तीन गाड़ी चला नहीं सकता, इसलिए बाकी काम उनको ही करना पड़ेगा। अपन हेलीकॉप्टर लेके, रस्सी लेके पहुँचते हैं अपने घर के ऊपर। आई एम रेडी। हेलीकॉप्टर के नीचे रस्सी, रस्सी के नीचे घर, ऊपर उठा दिया मैंने, काफ़ी अच्छा उड़ गया। भाई लोग जल्दी नीचे लाओ, जल्दी 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 करो, इसको नीचे लगा दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं नीचे ला रहा हूँ, है ना, सेट कर दिया ना, सही तो लगा है कि नहीं? ओके ये नीचे रख दिया, कर दिया हमने काम। यार फाइनली सारी चीज़ें हो तो गई थी, बट मौसम ख़राब हो गया और पानी भी गिरना चालू हो गया। अरे यार लगता है मौसम बहुत जल्द बिगड़ने वाला है। लेकिन मेरा फ्लोटिंग हाउस बिल्कुल रेडी है। काफ़ी अच्छी नींद आई यार, कल बहुत मेहनत कर ली थी ना इसलिए। चलो आज देखते हैं, मौसम तो साफ हो गया पूरा। वाह यार, है ये घर और नाव कैसे? अरे पानी आ गया क्या? ओबे लगता है पानी काफ़ी गिरा है भाई, पूरी बाढ़ आ चुकी है, रास्ते में पूरा पानी हो चुका है। वाह यार यहाँ पर नाव ही नाव जा रही है, ये नाव पता नहीं कहाँ से बह के आ गई। घर भी किसी और ने भी यहाँ पे देखो फ्लोटिंग हाउस बना के रखा है, उसका घर अच्छा है इसलिए बचाने के लिए उसने किया होगा, अंदर ही होगा। और ये दूसरी नाव जा रही है एक और। यार भाई जो जो यहाँ पे थे ना सब ने कुछ जुगाड़ लगाया है मेरी तरह, अब बारी अपनी है। लेकिन चलो फिर मोटर चालू करते हैं हम लोग, घर हमारा इससे पहले ढलने लगे ज़मीन की तरफ। ये मोटर चालू कर दी और हो गई, चलो मोटर वर्किंग, फैन चालू, सब रेडी है, चालू करते हैं अब घर, आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं घर के ऊपर, घर हमारा निकल चुका है अपनी सैर के लिए। और क्या जा रहा है भाई, क्या स्पीड है यार, मज़ा आ गया। अरे भाई क्या चल रहा है यार, काफ़ी सही, अब हमारा घर नहीं डूब सकता यार, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कितना स्मूथ चल रहा है यार, क्या फ्लोटिंग हाउस बनाया है मैंने। भाई यहाँ से मुड़ के ना हमें थोड़ी सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग रुक सके, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। ओ अबे ये क्या हुआ, अरे यार ये क्या था रास्ते में, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ओ अरे मेरे घर, अरे मैं तो डूब रहा हूँ, नहीं अरे भाई, अरे क्या करूँ क्या करूँ, अरे यार नहीं नहीं मैं फिसल जाऊँगा, लटक गया मैं भाई, ये कहाँ फंस गया यार।